दो, यदि हम फ्रैंकलिन की कब्र ढूंढते हैं तो हमें न केवल एक प्रसिद्ध खोए हुए खोजकर्ता के अवशेष मिलेंगे बल्कि हमें संभवतः उसके कागजात भी मिलेंगे। टॉम ने कब्र को हवा से देखा है। उस समय उसे GPS समन्वय नहीं मिला था और वह क्षेत्र को खत्म कर रहा है और अब हम 30 वर्ग मील से भी कम जगह पर रह गए हैं। आर्कटिक खोजकर्ता जॉन फ्रैंकलिन 1845 में दो जहाजों के साथ इंग्लैंड से रवाना हुए थे। 128 लोग उत्तर पश्चिम मार्ग से सबसे पहले पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।